अगर आप लोग भी YouTube पे कॉमेडी वीडियोस क्रिएट करते हो और आपका चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो आप लोग। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बेस्ट तरीके अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो ये सभी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूँ। हमारा भी एक कॉमेडी वीडियोस वाला यूट्यूब चैनल था जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, और क्या क्या गलतियां हम लोगों ने की जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाया, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें और आपका चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो और किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट है अपलोड योर वीडियो ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो अपनी वीडियो को हर उस जगह पे अपलोड कर दो जहाँ पे पॉसिबल हो सके, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स, टकाटक, फलाना ढिमका, हर ऐप के ऊपर आपको अपनी वीडियो को अपलोड करना है। इंस्टाग्राम, एमएक्स, टकाटक जैसे शॉर्ट वीडियो ऐप्स के ऊपर आपको अपनी वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स काट के अपलोड कर देनी है क्योंकि ये ऐप्स आपके कंटेंट को यूट्यूब से ज्यादा प्रमोट करते हैं और ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट भेजते हैं। अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो लोग आपको जरूर पसंद करेंगे और वही ऑडियंस आपके यूट्यूब के ऊपर भी आएगी। फिर एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अमित बड़ाना, अराउंड टू हेल, बीबी की वाइंस, इन सभी लोगों की पहली वीडियोस यूट्यूब के ऊपर वायरल हुई ही नहीं थी। इन सबकी पहली वीडियोस फेसबुक के ऊपर वायरल हुई थी क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं डालते थे, फेसबुक के ऊपर भी डालते थे। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड मत करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी शॉर्ट वीडियोस ऐप्स हैं उन सबके ऊपर आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करना होगा। अगला पॉइंट है कनेक्ट विद पीपल्स। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब जिसे देखने के बाद लोग कहें कि अबे यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, हम भी ऐसा ही करते थे, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ये तो हमारे जैसा ही बंदा है। तो ऐसा कंटेंट दो अपनी वीडियो में जिसे लोग अपने खुद के साथ जोड़ के देख सके। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, हमने एक वीडियो बनाई थी देसी टेरेस क्रिकेट जिसमें हम लोगों ने दिखाया था कि गांव के बच्चे कैसे छत के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं और उनकी मम्मी छत के ऊपर आके कपड़े सुखाने लग जाती है और खेलते खेलते आपस में कैसे उन लोगों की लड़ाई हो जाती है, कपड़े धोने वाली थापी के साथ वो बैट बल्ला खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते बैट टूट जाता है और फिर उसकी मम्मी उसकी पूरी धुलाई करती है। तो ऐसी चीजें हम लोगों ने उस वीडियो में दिखाई जो लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो पाई। तो जब लोगों ने उस वीडियो को अपने साथ जोड़ के देखा तो लोगों को वो वीडियो बहुत ही पसंद आई और उसी वीडियो के ऊपर हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। तो अपनी वीडियोस में ऐसी चीजें जरूर करें जिसे लोग देख के ये कह सकें कि हम भी ऐसा ही करते थे और हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो अगर लोग आपकी वीडियो के साथ कनेक्ट कर गए तो वो आपको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगला पॉइंट है शेयरएबल वीडियोस। वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि लोग तारीफ किए बिना रह ना सकें और वीडियोस ऐसी बनाओ कि लोग शेयर किए बिना रह ना सकें। अगर लोगों ने आपकी वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया तो समझ लो कि आपने उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया है, आपका इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ चुका है। तो वीडियो में कंटेंट इतना दमदार दे दो, इतनी वैल्यूज ऐड कर दो वीडियो में कि हर किसी को आपकी वीडियो पसंद आए और हर बंदा शेयर किए बिना रह ना सके। तो वीडियो ऐसी बनाओ जिससे शेयर करने वाले की शेयर करने से इज्जत बढ़े, वो अपने दोस्तों को कहे कि ये देखो मैंने कितनी अच्छी वीडियो सेंड की है तुम्हें, देखिए ऐसी वीडियो कभी। तो अगर शेयर करने से उस बंदे की इज्जत बढ़ेगी तो बार बार वो आपकी वीडियोस को शेयर करेगा। और अगला पॉइंट है मेक वीडियोस इन पार्ट्स। कॉमेडी वीडियोस क्रिएटर्स को शुरू में तो यही चीज करनी चाहिए कि बीच बीच में एक दो वीडियोस के दो तीन पार्ट्स बनाने चाहिए और हर पार्ट के एंड में ऐसा सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए कि अगली वीडियो बंदा देखने आए ही आए आपके चैनल पे। इससे अगर कोई बंदा एक वीडियो आपके चैनल पे देखने आएगा तो उसके बदले वो दो तीन वीडियोस देख के जाएगा और अगर किसी ने दो तीन वीडियोस देख ली तो वो आपका पक्का सब्सक्राइबर बन जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंट वीडियोस। मोमेंट वीडियोस का मतलब है उस मोमेंट इस दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर वीडियोस बनाना, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं उन चीजों के ऊपर वीडियोस बनाना। तो जिन कॉमेडी चैनल्स ने अभी शुरुआत की है और इतनी ग्रोथ नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए तो यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लोग सर्च करते हैं और यूट्यूब भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बनाई गई वीडियोस को प्रमोट करता है। हमने ये चीज बिल्कुल भी नहीं की थी तो हमारी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो पाई थी। अगला पॉइंट है 5 to 8 मिनट वीडियो। तो आपकी वीडियो ना तो ज्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा छोटी। शुरुआत में आप लोगों को 5 से 8 मिनट तक की वीडियो ही बनानी चाहिए। ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं अगर ये 40 मिनट की वीडियो भी बना देंगे तो लोग उस वीडियो को देख लेंगे, पर अगर आप इतनी बड़ी वीडियो बना दोगे तो आपकी वीडियो लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे क्योंकि उन लोगों की ऑडियंस बनी होती है और फेस वैल्यू भी बनी होती है उन लोगों की, तो इसलिए लोग उनकी वीडियोस देख लेते हैं। पर जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना तो उनके पास ऑडियंस होती है और ना ही फेस वैल्यू होती है, तो इसलिए बड़ी वीडियोस नहीं चल पाती है। तो ट्राई करो कि 5 से 8 मिनट तक की ही वीडियो बनाई जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंटली। तो आपको लगातार यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड करना होगा। तो जितना जल्दी आप वीडियोस को अपलोड करते हैं उतनी ही आपके चैनल की रीच बढ़ती है, उतनी ज्यादा यूट्यूब आपकी वीडियोस को प्रमोट करता है। तो इससे आपकी ऑडियंस को लगेगा कि बंदे में कुछ तो बात है, बंदे में जुनून
गुण है वीडियोस बनाने का, तो आपको लगातार वीडियोस देनी होगी अपनी ऑडियंस को। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाने की ट्राई करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी। तो जितनी ज्यादा आप क्वालिटी वीडियो में देख सकते हैं, आपको उतनी ज्यादा क्वालिटी देनी है। क्वालिटी का मतलब है आपकी वीडियो की स्क्रिप्ट, स्टोरी, एडिटिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्वालिटी के अंदर आती हैं। तो ये सभी चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी वीडियो में कॉमेडी, सस्पेंस और एक्शन तीनों चीजों का मिश्रण होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज आपको नहीं करनी है। अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो ज्यादा ऑडियंस आपके चैनल पे आएगी। और अगर आप अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट करते हैं तो इसका भी बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। और आपकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट सुनाई देना चाहिए कि आप वीडियो में क्या बोल रहे हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक का भी बहुत ही अच्छे से यूज करना होगा आपको अपनी वीडियोस में, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक लाने से वीडियो में जान आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस वीडियो में लगा वो है कनेक्ट पीपल्स। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी वीडियो लोगों के साथ कितना कनेक्ट कर पा रही है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जोर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल की बाकी की वीडियोस को देखना ही मत भूलना। अगर आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है। इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट्स बना रखे हैं आपका माइंडसेट तैयार करने के लिए कि आपको कैसे आगे काम करना है। और भी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, कैमरा एंगल्स के ऊपर, द रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर और साउंड इफेक्ट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो सभी वीडियोस को देखना मत भूलना। और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो आप मुझे और वहां पे अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हो। मैं आपकी वीडियोस को जरूर देखूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा कि मुझे आपकी वीडियोस में कौन कौन सी चीजें पसंद आई और क्या आपकी कमियां हैं वीडियोस में जो आप दूर कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।